हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज मैं फिर आपको बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जो चार प्रकार के फूल मिलाकर आप इस नुस्खे से अपने धातु को गाढ़ा कर सकते हो और मतलब बिल्कुल नपुंसकता दूर हो जाएगी, धातु गाढ़ा हो जाएगा और आपको 100% से लाभ होगा, 100%। बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है, अगर इसे आप करोगे तो लाभ 101% पक्का है। तो चलिए बताते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो, इस नुस्खे को बनाने से पहले मैं आपसे बता दूं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो बताते हैं आपको क्या चाहिए होगा। सबसे पहले अनार के फूल चाहिए होंगे आपको, ठीक है। अनार के फूल आपको लेने हैं और गुलाब के फूल लेने हैं। गुलाब के, अनार के फूल, गुलाब के फूल, धाई के फूल। धाई के फूल आते हैं आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और नीलोफर के फूल आपको चाहिए, नीलोफर। ये चार प्रकार के फूल चाहिए आपको, बराबर बराबर ले लेना, 100-100 ग्राम की मात्रा में। लगभग 100-100 ग्राम ले लोगे तो 400-400 ग्राम हो जाएंगे, 50-50 ग्राम ले लोगे तो 200 ग्राम हो जाएंगे। बस इनके बराबर की, जैसे आपने 50-50 ग्राम लिया तो 200 ग्राम हो गया, और 200 ग्राम मिश्री, इन फूलों को पीसो और 200 ग्राम ये फूल हो गए, 200 ग्राम मिश्री मिक्स करके और बढ़िया से एकदम अच्छे से पीस के छान के, एक सूती कपड़े से या छन्नी एक आती है, चलनी आती है मार्केट से, वो मिल जाएगी आपको, उससे छान कर फिर इसको आराम से किसी एयर टाइट डब्बे में भर कर, कांच के डब्बे में भर कर रख दो। खाने की प्रक्रिया क्या है, अब इसको खाना कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सुबह खाली पेट आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आप मिश्री मिक्स कर सकते हो, थोड़ा गुनगुना दूध होना चाहिए, चीनी मिक्स कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। तो ये आधा चम्मच की मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में फांको, ऊपर से दूध पी लो, इतना ही काम करना है, फांकना है, ऊपर से दूध पी लेना है, बात खत्म। इतना करने से आप लगभग लगभग 20 दिन ये काम करोगे, 20 दिन इस उपाय को करोगे। वैसे इससे लाभ जो है, लाभ आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा, इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप कहोगे कि ये जो भाई वाह, इन फूलों ने तो कमाल कर दिया। तो लगातार आप 20 दिन खाओगे, महीने भर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप अभी महीने भर खा लो, 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने भर फिर बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाते रहो, इससे लाभ रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा ये और बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करेगा आपको, ठीक है। तो अब मुझसे ये मत कहना कि ये भाई कुछ धातु का को मोटा करने के लिए, धातु पतला है उसको गाढ़ा करने के लिए कोई नुस्खा बताओ। कितने सारे नुस्खे बताता हूँ मैं, फिर भी यही की कमेंट है कि कोई सस्ता सा बढ़िया सा नुस्खा बताओ। बहुत सारे नुस्खे मैंने बता रखे हैं, बहुत सारे नुस्खे बता रखे हैं। तो ठीक है, ये अगर अच्छा लगा नुस्खा तो इसको बना के तैयार कर लेना, ठीक है। चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।